गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू पैरागॉन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हमारी धुआंधार क्लासेस चल रही है, जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। न्यू पैरागॉन परिवार के द्वारा बेहतरीन तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप सभी को उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है जिसमें हर टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आप सब भी इस मुहिम का एक हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने आप को शामिल करें। हमारा लक्ष्य एक ही है, आपके जीवन का जो उज्जवल बन सके, ठीक है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी बहुत सहायता चाहिए, तो अपना जो ये चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपके द्वारा संभव है, ये आपको करना है। इसको मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको कि आप लोग करो करो करो, ये अच्छा भी नहीं लगता है, ये आपका अपना फर्ज है। जैसे आज कोरोना चारों तरफ फैल चुका है, विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है, ऐसे अपने जो क्लासेज हैं ये हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि न्यू पैरागॉन में कैसी पढ़ाई चले रही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने चैनल को, सब बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए। तो अब अपन चलते हैं। हमने जो मुहिम छेड़ रखी है इसी की श्रृंखला में कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखा था, आज हम आगे चलते हैं और उनकी पहली कविता जो कि आत्म परिचय उसी को देखते हैं। एक बार हम थोड़ा फास्टली उनके जीवन को याद करते हैं। हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, जो कि प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज तहसील के बेगूपति, जो एक छोटा सा गांव था, वहां के निवासी थे। माता का नाम सरस्वती देवी था और बचपन में इनको घर में बड़े ही प्यार से बच्चन कहकर बुलाया जाता था। भाई मूल नाम तो श्रीवास्तव था, हरिवंश राय श्रीवास्तव, लेकिन जैसा कि बच्चों को घर में बुलाया जाता है तो इनको बच्चन कहकर बुलाया जाता था और आगे चलकर ये इसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य से किया है, इसके बाद उच्च अध्ययन हेतु ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने द ब्लू बीडियस, जो कि अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं पर शोध कार्य किया और पीएचडी की डिग्री वहां से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी साहित्य भी काफी दिनों तक पढ़ाया है। 1955 में ये भारत के विदेश विभाग में जो है हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1966 में इन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 1976 के अंदर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में मुंबई में अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के साथ रहते हुए इनका निधन हो गया 95 वर्ष की आयु में। पत्नी का नाम, इनके दो विवाह हुए थे, पहली पत्नी का नाम क्या था, श्यामाबाई था, ठीक है। लेकिन ये वैवाहिक जीवन कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, कुछ समय बाद ही टीबी के कारण पहली पत्नी श्यामाबाई का निधन हो गया। इसके बाद 1941 में इनका दूसरा विवाह तेजी सूरी, जो कि पंजाबन थी, रंगमंच और गायन के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उनसे हुआ। उन्हीं से अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। तो जीवन के मर्म को समझने वाले ये कवि हैं, व्यक्ति परक प्रणय मूलक काव्य धारा के ये कवि हैं, हालावाद के जनक माने जाते हैं, शाही रोमांस के कवि इनको माना जाता है, उमर खुय्याम की रुबाइयों का इनके ऊपर प्रभाव है। ये सारी की सारी बातें, हिंदी का इन्हें बायरन कहा जाता है, ये सारी की सारी बातें हरिवंश राय बच्चन के का के जीवन के विशेषताएं, जीवन का परिचय बताने वाली बातें सारी सारी, ठीक है। हमने प्रमुख रचनाएं इनकी देखी थी। काव्य संग्रह की बात करें तो हमने देखा कि मधु शाला, जो कि 1935 में आई थी, इसके बाद मधुशाला, मधु कलश, मधु बाला, जो कि 1938 में आई है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी,
आरती रंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, दो चट्टाने है कि नहीं। इसके बाद में खादी के फूल और तेरा द्वार, जाल समेटा, ठीक है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। खादी के फूल इन्होंने पंत जी के साथ मिलकर लिखी थी, तेरा द्वार इनका पहला काव्य संग्रह था और जाल समेटा इनका अंतिम काव्य संग्रह, ठीक है, ये सारी सारी बातें कही। फिर हमने देखा था कि इनकी जो आत्मकथा है वह चार खंडों में प्रकाशित हुई है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दस द्वार से सोपान तक। इनकी जो डायरी है वह प्रवासी की डायरी के नाम से प्रसिद्ध है। हैमलेट, मैकबेथ, जनगीता इनके अनुवाद ग्रंथ हैं। ये सारा का सारा इनका व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय है भाई, जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि हमारे कवि परिचय आएगा। ये एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, कोई सा भी कवि दे देता है उसका जीवन परिचय, साहित्य परिचय हमसे पूछता है, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। आज हम देखेंगे इनकी दो कविताएं हमारे कोर्स में लगाई गई है, जो कि नया कोर्स इस साल से लागू हुआ है, उसके अंदर हरिहंस राय बच्चन की दो कविताएं, आत्म परिचय कविता और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम पहली कविता को उठाते हैं, आत्म परिचय। नाम से ही पता चल रहा है आत्म, आत्म यानी शम का। अब शम का किसका? शम के जीवन का। इस कविता में इन्होंने शम के जीवन से हमें परिचित करवाया है, परिचय दिया उसका कि इनका जीवन कैसा रहा है, कैसे इन्होंने जीवन जिया है, कैसे इनके भाव थे, ठीक है, कैसे इन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, ये सारी की सारी बातें, क्या संदेश ये देना चाहते हैं, ठीक है, संदेश है इस संसार को, क्या हमें ये प्रेरणा देना चाहती है, ये सारी की सारी बातें इस कविता में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सामंजस्यवादी जीवन जीने की हमें ये शिक्षा देते हैं, संघर्षों का सामना करने की हमें शिक्षा देते हैं, प्रेम और मस्ती का एक जीवन जीने की हमें प्रेरणा है। ही कवि प्रेम और मस्ती का कवि है भाई, ये हरिवंश राय बच्चन, ये कोई राष्ट्रीय कवि नहीं है, ये कोई रीतिकाल का कवि नहीं, ये प्रेम और मस्ती से भरा हुआ कवि है, जो कि हमें कहता है कि प्रेम और मस्ती के साथ एक जीवन जियो, एक यथार्थपूर्ण जीवन जियो, एक टारगेट लेकर अपने जीवन का, एक उद्देश्य देकर जीवन जियो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में चलोगे चुनौतियां आएंगी, संघर्ष आएंगी, लेकिन उनका डटकर सामना करो। मनुष्य के साथ होता क्या है, जो कोई चुनौती आती है तो घबरा जाता है, और उस समय किसको याद करता है, मनुष्य को, ईश्वर याद आने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चन जी कहते हैं कि अरे भाई क्यों, मुझे किसी ईश्वर जरूरी साधन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो संसार में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए और जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला जाता। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो चुनौतियों का सामना करते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। सामंजस्य बैठाते हुए जीवन जीने की प्रेरणा इन्होंने दी है। कहते हैं समाज से हमारा जो रिश्ता है ये द्वंद्वपूर्ण और द्विधापूर्ण है, खट्टा मीठा एक रिश्ता है, कभी अच्छा प्रेम भी मिलता है तो कभी यहाँ से हमें प्रताड़ना भी मिलती है, लेकिन हमें करना क्या है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए और जीवन को आगे हमें बढ़ाते हुए चलना है। एक अच्छा जीवन, एक सार्थक जीवन हमें जीना चाहिए, प्रेम और मस्ती का जीवन जीना है, और ऐसा ही ये संदेश देने की बात इस कविता में कह रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इनकी कविता, आत्म परिचय कविता, देखते हैं क्या कहते हैं कि पहली इनका था, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं न कभी जग का ध्यान किया करता हूं, क्यों, क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है ये अपूर्ण संसार में मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं।
अरे जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूं, और जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्या कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, है नादान है नादान, हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, अरे जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अरे हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया तुम कहते हो गाना, तुम मतलब संसार के लोग, क्या कहते हैं कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, अरे मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, और जिसको सुनकर जब झूम उठे लहराए, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो यह है बच्चन जी की आत्म परिचय कविता, पूरी प्रणय की कविता है, प्रेम की कविता, प्रेम और मस्ती का एक संदेश इस कविता में दिया गया है। तो एक 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 पैराग्राफ को हम उठाते चलेंगे और एक एक लाइन का अर्थ हम देखते चलें। चलिए आशा करता हूँ आप सब लोगों ने किताबें खरीद ली होंगी, नहीं खरीदी हैं तो तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके अपनी किताबें खरीदिए भाई, पढ़ाई के लिए कंजूसी मत कीजिए, ना किसी का इंतज़ार कीजिए, आपकी पढ़ाई चालू है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपकी धुआंधार क्लासेस चल रही है, बेहतरीन तरीके से गुणवत्तापूर्ण आपको दी जा रही है शिक्षा, तो आप लोग भाई इसमें जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जैसे हम प्रयास कर रहे हैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का, तो आप भी कोशिश कीजिए, और जब दोनों तरफ से प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से मंजिल हमसे कहां से दूर जाएगी, मिलेगी हमें मंजिल। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो कोशिश तो करो, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करेंगे तो हमें हमारी टारगेट, हमारी जो मंजिल है, और हम सबकी मंजिल क्या है इस समय कि 12th क्लास में बढ़िया से बढ़िया नंबरों से हमें पास होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, रटकर नहीं समझकर प्राप्त करना है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान शायद हमारे आगे काम ना आए, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान जिंदगी में हमेशा काम आता है, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आपके आएगा। बच्चे कई बार कहते हैं साइंस है जी हमारे आगे हिंदी क्या काम आनी है, भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। कल को आप अच्छी पोस्ट पे चले गए, नेता बन गए, बोलने के लिए भी हिंदी चाहिए, तो शब्दों का ज्ञान, बोलने का तरीका, आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं। हरिवंश राय बच्चन तो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, कवि भी थे, लेखक भी, साहित्यकार थे, फिर भी हिंदी में कविताएं लिखी हैं। अब ये कहते हैं मैं तो अंग्रेजी का साहित्यकार हूँ, मेरे को हिंदी से क्या मतलब है, हिंदी नहीं सीखते, नहीं, भाषा का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, ठीक है, ये हमारी एक संस्कृति को प्रकट करने वाली चीज होती है। प्रसाद जी को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, आप खुद देखिए, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें बहुभाषी माना गया है, और आजकल तो जैसे अंग्रेजी के साथ एक दूसरी भाषा का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। आप इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, और अपनी भारतीय भाषा हिंदी का ज्ञान नहीं है, माँ भारती का ज्ञान नहीं है, तो हमारा भारत में रहना बेकार है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, हिंदी की उपेक्षा मत कीजिए। फिर बात करें 12th के संदर्भ में भी, जहाँ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो 100-100 नंबर के हैं, वहीं हिंदी भी पूरे 100 नंबर का ही है, तो परसेंटेज बनाने में पूरा रोल होता है इसका, तो इसको कहीं भी इग्नोर करके ना चले थोड़ा सा, ठीक है। तो हम आज अपना पहला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, कवि बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। फिर
कर दिया किसी ने चंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता। तो देखिए इन्होंने अपने ये जो आत्म परिचय कविता मैं बात कर रहा हूं, तो ये आत्म परिचय कविता उस समय लिखी गई है जब इनकी पहली पत्नी श्यामा बाई का निधन हो गया था और दूसरी पत्नी तेजी बाई का तेजी से इनके जीवन में प्रवेश नहीं हुआ था। एकांकी जीवन ये व्यतीत कर रहे थे। उस समय की ये जो दोनों कविताएं हमारे कोर्स में लगी हुई हैं, ये भी और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस समय की ये दोनों ही कविताएं हैं। तो इनमें इनका एकांकीपन जीवन का भी प्रकट हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। क्या कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग जीवन यानी सांसारिक जीवन। अब देखिए इन्होंने अपने सांसारिक जीवन को किसके समान बता दिया, भार के समान। अब भार के समान कब होता है व्यक्ति का जीवन? व्यक्ति का जीवन भार के समान दो तीन स्थितियों में हो सकता है। या तो आप किसी से बहुत ज्यादा स्नेह करते हो और वो अपना प्रियजन हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है, तो हमारे लिए हमारा ये जो जीवन है ये भार के समान हो जाता है। और मैंने आपको पूर्व पीठिका में पहले बता दिया है कि जब ये कविता लिखी गई थी उस समय इनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था, ये एकांकी जीवन जी रहे थे, तो इन्हें अपना जीवन कैसा लग रहा था, भार के समान। दूसरा कारण, इनके ऊपर अनेक उत्तरदायित्व थे जिनका इन्हें पालन भी करना था, इन उत्तरदायित्वों का पालन करने का भार इनके ऊपर आ गया था और इसी कारण इन्होंने अपने सांसारिक जीवन को कैसा बताया, भार के समान बताया। ये कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं और अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कई बच्चन कहते हैं कि आज मेरे लिए मेरा ये जो सांसारिक जीवन है यह भार के समान हो गया है। कारण मैंने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि प्रियतम भी अलग हो गया हमेशा हमेशा के लिए, सांसारिक जिम्मेदारियों का भी उत्तरदायित्व इनके पर आ गया। तो कह रहे कि आज मेरा ये जो सांसारिक जीवन है यह मेरे लिए भार के समान हो गया है। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कहते हैं कि आज मेरे लिए मेरा सांसारिक जीवन भार के समान हो गया, लेकिन मैं इस स्थिति से हताश नहीं होता हूं, निराश नहीं होता हूं, मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो सभी के लिए अपने हृदय में एक प्रेम का भाव, एक कल्याण का भाव लिए घूमता रहता। ठीक है, दोनों लाइनों का, पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। विरोधाभास अलंकार काम कर रहा है यहां पर, विरोधाभास स्थिति आ रही है। एक तरह तो क्या कह रहे हैं कि आज मेरे लिए मेरा ये सांसारिक जीवन भार के समान हो गया है, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई क्या कहना शिकायत नहीं है, मैं तो अपने जीवन में, मैं इस स्थिति हताश नहीं होता हूं, निराश नहीं होता हूं, बल्कि मैं तो अपने जीवन में सभी के लिए प्रेम का, कल्याण का भाव लिए घूमता रहता हूं। ठीक, अब आते हैं तीसरी लाइन पे, क्या कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी ने कहकर कवि ने अपने अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा किया है। देखिए कवियों की बहुत बड़ी बात रही है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वो माँ है, बहन है, पत्नी है, सहचरी है, कौन है, वो कोई भी हो सकती है, अज्ञात रखा है प्रियतम को, है ना। तो महादेव रो कहते ले चल मुझे बुलावा देकर जयशंकर प्रसाद कहते हैं ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे ज्ञात प्रियतम के पास। ऐसे महादेवी भी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे सही अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये सब जितने भी कवि हैं उन्होंने अज्ञात प्रियतम को इशारा किया है। बच्चन जी भी अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा कर रहे हैं, वो ईश्वर भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कर दिया किसी ने झंकृत, किसी ने कहकर अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा कर रहे हैं और अपने जीवन की तुलना वीणा से कर रहे हैं, सितार से कर रहे हैं। कह रहे कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। बच्चन जी कहते हैं जैसे वीणा के तारों को छूते ही उसमें से एक मधुर झनकार उत्पन्न होती है, उसमें से एक मधुर संगीत उत्पन्न होता है, ऐसे ही मेरे जीवन को जब मेरे प्रियतम का स्पर्श मिला, मेरे जीवन में जब मेरे प्रियतम का आगमन हुआ, तो मेरा ये जीवन भी प्रेम से, खुशियों से, आनंद से, संगीत से भरे गया था।
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब ये बात आप कर सकते हो कि सर सितार में तो वीणा में तो बहुत से तार होते हैं, दो ही तार नहीं होते? नहीं भाई, यहाँ पर दो तार कहकर उन्होंने अपने जो क्षीण होता जीवन है उसकी ओर संकेत किया है, क्योंकि प्रियतम से अलग हो चुके थे, इन्हें अपना जीवन ऐसा लग रहा था जैसे क्षीण होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो सांसों के दो तार, तो कह रहे मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, क्या मैं तो अपने प्रियतम की मधुर स्मृतियों से युक्त जो ऐसा जीवन है उन्हीं उसी जीवन की यादों में मैं तो अपना जीवन जीता रहता हूं। ठीक है, तो चारों लाइनें थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कहते हैं कि आज मेरा ये सांसारिक जीवन मेरे लिए भार के समान हो गया है, लेकिन मुझको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैं इस स्थिति से हताश या निराश नहीं होता हूँ, दुखी नहीं होता हूँ, बल्कि अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम का भाव, कल्याण का भाव लिए घूमता रहता हूँ। अगली ही पंक्ति में कह रहे हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, किसी ने कहकर अपने अज्ञात प्रियतम की ओर इशारा किया है और अपने जीवन की तुलना इन्होंने वीणा के तारों से की है। कहते हैं जैसे वीणा के तारों को छूते ही उसमें से एक मधुर झनकार, एक मधुर ध्वनि, एक संगीत उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही जब मेरे जीवन में मेरा प्रियतम आया, ठीक है, मेरे जीवन को जब मेरे प्रियतम का स्पर्श मिला तो मेरा जीवन भी संगीतमय हो गया था, प्रेममय हो गया था, मेरा जीवन प्रेम से भर गया था और अब मैं तो अपने जीव प्रियतम की जो इस मधुर स्मृतियों से जो विगत जीवन है उसी विगत जीवन की यादों में मैं तो अपना क्षीण होता हुआ जीवन जीता रहता। तो इसमें आज चार लाइनें हमने पहला पैराग्राफ कर लिया है, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ मेहनत कीजिए, टीम आपकी पूरी मेहनत कर रही है, ठीक है ना, हेमंत दिन रात आपके लिए मेहनत करने में लगा हुआ है। फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये आपका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। अब हम अपना कार्य कर रहे हैं तो देखते हैं आप अपना कार्य कितनी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। थैंक यू।